हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो जुलाई 2016 उसकी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, जो आपके अभी जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे एचएसएससी हरियाणा कलर्क जो भी 20 नवम्बर को एग्जाम है, चाहे बैंकिंग, उन सभी एग्जाम में जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, वो जो जुलाई मंथ से आने की संभावना है, वो सभी क्वेश्चन आपकी इस वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। इससे पहले हम जो जून मंथ 2016 है उसके जो करंट अफेयर की वीडियो है वो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल पर जाकर इस तरह के रेड कलर बटन पर क्लिक कर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम नई को वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी सूचना मिल सके और आप उस वीडियो को देख सके। हर बार की तरह आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मैं उन्हें रीड आउट करता जाऊंगा और आप उन्हें अपनी जो नोटबुक है उनमें नोट कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, अगर आपको करंट अफेयर अच्छे से याद करना है तो इसका एक ही तरीका कि आप उन्हें बार बार पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो तो हमारी इस वीडियो को अगर आप 4 से 5 बार देखते हो तो आपको वो ऑटोमेटिक मेमोराइज हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जुलाई 2016 मंथ की जो कंप्लीट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको। ताइवान के पूर्वी तट पर जिस शक्तिशाली महातूफान ने तबाही मचाई उसका नाम क्या है? तो उस तूफान का नाम है निपातक। गूगल ने जुलाई 2016 में जिस कंपनी को खरीदने की घोषणा की, कौन सी कंपनी को? मूड स्टॉक्स कंपनी को। हाल ही में पीस टीवी जो कि एक पाकिस्तानी टीवी चैनल है चर्चा में रहा, इस जो टीवी जो पीस टीवी है उसका संचालक कौन है? उसका नाम है जाकिर नाइक। यूरो कप 2016 में जिस टीम ने पूरा वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी, यानी इससे पहली बार चैंपियन कौन थी? जर्मनी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया, किसने किया? फ्रांस ने। बिहार के पंचायत चुनाव में जिस महिला ने सबसे अधिक उम्र में मुखिया यानी सरपंच का चुनाव जीता, किसने जीता? कुलबदन देवी ने। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जाने माने संगीतकार जिनका 7 जुलाई 2016 को मुंबई में उनकी डेथ हो गई, उनका नाम क्या है? उनका नाम है ओम प्रकाश सोनिक। हाल ही में ब्रिक्स संगठन चर्चा में रहा, वह देश जो ब्रिक्स के सदस्य है, तो ब्रिक्स जो एक संगठन है उनके सदस्य कौन कौन से हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, इनके 5 सदस्य हैं। भारत ने कपास प्रौद्योगिकी सहायता कार्यक्रम के तहत जो अपना पहला परिधान प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग केंद्र कौन से देश में खोला है? तो वो खोला है नाइजीरिया के अंदर। वह व्यक्ति जिसने अर्जेंटीना फुटबॉल संघ के कोच पद से रिजाइन कर दिया, किसने कर दिया? गिरार्डो मार्टिनो ने। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कौन? दीपक सिंगल को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो उन्हें बनाया गया है यूपी यानी उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव। रेत के यानी मिट्टी के जितने रथ बनाकर सूरदर्शन पटनायक ने विश्व रिकॉर्ड बनाया, उसने कितने रेत के रथ बनाए? 100 यानी 100। फिल्म टेस्ट ऑफ चेरी के निर्देशक जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम क्या है? उनका नाम है अब्बास क्यारोस्तामी। वह हवाई अड्डा जहां विश्व का वर्ल्ड का सबसे बड़ा चरखा स्थापित किया गया है वो कौन सा है? वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। इन्हें इसरो के इनर्शियल सिस्टम यूनिट यानी IISU का निदेशक नियुक्त किया गया है, इन्हें माधव डेकाने को। भारत के पहले वाणिज्यिक न्यायालय के एवं विवाद निपटान केंद्र
किस राज्य में स्टार्ट किया गया है, तो वो स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। जिस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 56वीं नेशनल स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, किसने बनाया? अन्नु रानी ने। वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसने कनाडा ओपन ग्रां प्री बैडमिंटन का खिताब जीता, किसने जीता? बी साई प्रणीत। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट आपसे इस तरह ही आएंगे, जैसे ये नाम दे दिया बी साई प्रणीत, ये कौन से खेल से संबंधित है, तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा नीचे, जैसे जेवलिन थ्रो, क्रिकेट, हॉकी या बैडमिंटन, तो आपको टिक करना है बैडमिंटन। करंट अफेयर के क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं एग्जाम के लिए। पहली बार भारत के जिस बंदरगाह पर प्रत्येक कंटेनर की टैगिंग के लिए रेडियो टैगिंग का उपयोग किया गया, कौन से बंदरगाह पर? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर। वह भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जो यूरोपा लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने, कौन बने हैं? गुरप्रीत सिंह संधू। वर्ष 1986 में जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, तथा इसके अलावा जो अमेरिका के सबसे इंपोर्टेड या महत्वपूर्ण यहूदी का दर्जा प्राप्त है, जिनका 2 जुलाई 2016 को निधन हो गया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है एली वीजल। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन नोबेल शांति या नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड हो वो एग्जाम में आने के उनकी काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस राज्य ने $5 बिलियन राशि से नए औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया, ये लिया था हरियाणा राज्य ने। सेरेना विलियम्स ने जर्मनी की इसकी जर्मनी की आनिका बैंक को हराकर अपने करियर का 300वां मैच जीता। वह भारतीय गायक जो हाल ही में एक महिला पर अभद्र कमेंट करने के कारण चर्चा में रहा, उनका नाम है अभिजीत भट्टाचार्य। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के अध्यक्ष के रूप में जिन्हें जुलाई 2016 में नियुक्त किया गया, उनका नाम है राजेश कुमार चतुर्वेदी। भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के अध्यक्ष तथा सह प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है केवी आर मूर्ति को। फिडे महिला ग्रां प्री शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है हरिका द्रोणा वल्ली ने। ये किसकी प्लेयर है? शतरंज की, चेस की। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा की ताजा रैंकिंग में कौन से स्थान पर है, तो वो है 152 रैंक पर। फ्रांस के जिस शहर में बेस्टिले डे ओकेजन के दौरान या सेरेमनी के दौरान जुलाई 2016 में आतंकी हमला हुआ, उसका नाम है नीस नामक स्थान पर। काफी न्यूज में रहा होगा अगर आपने नोटिस किया, तो उसमें काफी लोगों की डेथ हो गई थी। वह क्षेत्र जहां की भेड़ को राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा पंजीकृत नस्ल का दर्जा प्रदान किया गया, वो किया गया है केंद्रपाड़ा भेड़ को, ये क्षेत्र का नाम है। भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स द्वारा दक्षिणी सूडान के युद्धरत क्षेत्र में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने हेतु जो अभियान स्टार्ट किया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन संकट मोचन। ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है थेरेसा मे। जो आंटीज, ये एक पर्सन का नाम है जो हॉकी से संबंधित है, उनका 12 जुलाई 2016 में मुंबई के अंदर निधन हो गया। पुस्तक, देखिए पुस्तक वाले जितने भी क्वेश्चन है ये सारे इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं राइटर या बुक से रिलेटेड। पुस्तक रिंग साइड विद विजेंद्र के राइटर कौन है, उनका नाम है रुद्रनील सेन गुप्ता। भारत का वह राज्य जहां खर्ची पूजा नामक त्योहार मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है त्रिपुरा में। फोर्ब्स द्वारा जारी एशिया 2016 की जो दानवीरों की सूची है
उसमें कितने भारतीय शामिल है? उसमें शामिल है 5 इंडियन। रियो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था PR श्रीजेश को। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी KRCL के नवनियुक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है? उनका नाम है संजय गुप्ता। प्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार यानी लिटरेचर जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनका नाम है रघुवीर चौधरी। भारत के पहले जो पेशेवर फुटबॉल कोच है जिनका जुलाई 2016 में निधन हो गया उनका नाम क्या है? उनका नाम है अमल दत्ता, जो कि भारत के पहले प्रोफेशनल फुटबॉल कोच है। वह टेनिस खिलाड़ी जिसने लंदन में आयोजित विमंडल टूर्नामेंट 2016 जीता उनका नाम है एंडी मरे, जो कि टेनिस की खिलाड़ी है। वर्ष 2016 का यूरो कप जीतने वाली टीम उनका नाम है पुर्तगाल, जिन्होंने पहली बार जीता है। भारतीय मर्चेंट नेवी की पहली महिला जिन्हें समुद्र में विशिष्ट बहादुरी के लिए IMO पुरस्कार हेतु चुना गया तो उनका नाम है कैप्टन राधिका मेनन। पूरे वर्ल्ड में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में एक डे आता ही आता है कि इस डेट को कौन सा डे मनाया जाता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या था 11 जुलाई 2016 को? तो वो था किशोर लड़कियों में निवेश। भारत सतत विकास सूचकांक में कौन से स्थान पर है? तो वो है 1 से 110वें स्थान पर। जिस सोशल नेटवर्क साइट ने सोर ड्रोन का पहला प्रशिक्षण किया तो वो किया फेसबुक ने। कौन सी संस्था ने 2 रुपए से भी कम कीमत में जो रेल यात्रियों हैं उनको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस यानी बीमा देने की तैयारी की? वो की है भारतीय रेलवे मंत्रालय ने। वह अफ्रीकी देश जिसके साथ भारत ने पहली बार हवाई सेवा आरंभ किए जाने हेतु समझौते को मंजूरी प्रदान की तो वो देश है अफ्रीकी मोजाम्बिक, ये एक अफ्रीकी देश है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी जिसे हम आधार कार्ड भी बोलते हैं या आधार नंबर बोलते हैं क्या, UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है अजय भूषण पांडे को। ये है आज की हमारी इस वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द वीडियो कि RBI के गवर्नर कौन है और वो RBI के कौन से नंबर के गवर्नर है, यानी वो 10वें नंबर के बने हैं, 11वें नंबर के बने हैं या दूसरे नंबर के बने हैं, आपको इसका आंसर देना है। ये एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इसका सही करेक्ट आंसर देते हो तो हम जो वीकली 5 लकी विनर अनाउंस करते हैं जिनको हमारी एक फ्री ईबुक है जिसमें इंपॉर्टेंट 600 क्वेश्चन कवर किए गए हैं हरियाणा और इंडिया जीके को लेकर, उसमें आपका नाम आ सकता है अगर आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो करेक्ट होता है। इसलिए प्लीज अगर आपको इसका क्यों आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वह देश जो 4th वार्षिक ग्लोबल सेवानिवृत्ति सूचकांक में पहले स्थान पर है तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड, और लास्ट में कौन है? भारत देश इंडिया। मारुति सुजुकी इंडिया यानी MSI ने गुड़गांव के मानेसर के कासनगांव में कौन सी परियोजना का उद्घाटन किया? तो वो किया है पेयजल परियोजना का उद्घाटन। पुस्तक द ग्रेट डिरेजमेंट क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल के लेखक कौन है? इनका नाम है अमिताभ घोष। वह देश जो 4th वार्षिक ग्लोबल सेवा, ये मैं बता चुका हूं, लास्ट में भारत का स्थान है, अंतिम स्थान पर इंडिया है। भारतीय मूल के सिंगापुर के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनका नाम है SR नाथन। एशिया का गूगल कम्युनिटी इंपैक्ट अवार्ड 2016 किसने जीता? तो वो जीता है अद्वय रमेश ने। भारत के पूर्व हॉकी कप्तान जिनका 20 जुलाई 2016 को गुड़गांव के
मेंदांता अस्पताल, ये काफी इंपोर्टेंट है हरियाणा एग्जाम के लिए। आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो हॉस्पिटल ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है गुड़गांव में। वे निधन हुआ, उनका नाम है मोहम्मद साहिब, जो कि पूर्व हॉकी कप्तान है इंडिया के। 11वें एशिया यूरोप बैठक सम्मेलन यानी ASEM का आयोजन स्थल कौन सा था, वो था उलान बटार, जो कि मंगोलिया के अंदर है। वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसको छत्तीसगढ़ रणजी टीम का पहला कैप्टन नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है मोहम्मद कैफ को। देश की पहली भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली यानी भूकंप आने से पहले आपको उसकी वार्निंग मिल जाएगी, का गुड़गांव में शुभारंभ किया गया यानी स्टार्ट किया गया। इसे जिस संस्थान ने विकसित किया, इसे किया है हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान ने। चंडीगढ़ का कौन से स्थान को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, तो वो किया गया है कैपिटोल कॉम्प्लेक्स को। भारतीय मुक्केबाज जिन्होंने WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट खिताब जीता, तो वो जीता है विजेंद्र सिंह ने, जो कि भारतीय मुक्केबाज है। भारत की पहली बहुनगरीय मैराथन दौड़ का शुभारंभ कौन से शहर से किया गया, तो वो किया गया हमारी कैपिटल दिल्ली से। हु मूव माई इंटरेस्ट रेट की पुस्तक के राइटर कौन है, तो उनके है डी सुबाराव, जो कि RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की जनसंख्या कितनी बताई गई है, तो वो बताई गई है 2226 और पूरे वर्ल्ड में भारत पहले स्थान पर है। पुलित्ज़र पुरस्कार ये दिया जाता है जो पत्रकारिता है उससे में यह पुरस्कार दिया जाता है। जीतने वाले पहले जो अश्वेत लेखक राइटर जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है, जेम्स एलन मैकफर्सन। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इंडियाज मोस्ट पावरफुल वुमेन पुस्तक की लेखिका का नाम क्या है, इनका नाम है श्रीमती प्रेम अहलूवालिया। पंडित लच्छू महाराज जिनका 28 जुलाई 2016 को वाराणसी में निधन हो गया, वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो तबला वादन के लिए फेमस है। पूरे विश्व में 28 जुलाई 2016 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया, इस दिवस का विषय क्या था, इसका विषय था एलिमिनेशन। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जालंधर जो कि पंजाब में है निवासी, देश का सबसे छोटा गोल्फ चैंपियन का नाम क्या है, उनका नाम है विभव। भारतीय चिकित्सा परिषद का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, तो भारतीय चिकित्सा परिषद का अब नाम है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। तो ये थी आज की हमारी जुलाई 2016 की जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उनको कवर की हुई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सुझाव है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जैसा कि हमने वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पुट किया था, अगर आप उनका राइट आंसर देते हो तो आपको हमारी जो फ्री ईबुक है उनको जीतने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा मैं हर वीडियो में कहता हूं कि एक नॉलेज ऐसी चीज है जिसको आप जितना ज्यादा शेयर करते हैं हमारी खुद की उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जो अदर स्टूडेंट है उनके साथ हमारी इस वीडियो को YouTube, Facebook, Twitter पर शेयर कीजिए, ताकि जो अदर स्टूडेंट है वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। और इसके अलावा एक अनाउंसमेंट हम पहले कर चुके हैं कि जब हमारे इस चैनल के 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको हम एक फ्री में एक हमारी ई बुक देंगे, जिनमें 5000 जो इंपोर्टेंट हरियाणा और इंडिया जीके के क्वेश्चन साथ में वर्ल्ड जीके के कवर किए गए हैं वो उनको मैं फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अदर लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट वीडियो आ रही है जो 20 नवंबर को एग्जाम है हरियाणा कलरक को लेकर, उससे संबंधित
मोस्ट इंपोर्टेंट जो 120 क्वेश्चन है उसकी वीडियो हम कुछ ही टाइम में आपके सामने के लिए अपलोड कर देंगे। तो इसलिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए, कुछ सीखते रहिए और दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल।